स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स्थ के सामाजिक विज्ञान के पार्ट सेकंड के फर्स्ट चैप्टर विविधता के समझ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। कल हमने इस लेसन को पढ़ा था और समझा था। इस लेसन में क्या था कि किस प्रकार से ये भिन्नताएं भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। तो चलो अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? आपको इसमें ये बताना है कि आप अपने आसपास कौन से त्योहार मनाते हैं, अपने क्षेत्र में कौन से त्योहार मनाते हैं, और उन त्योहारों में से आपको ऐसे त्योहार बताने हैं जो सभी के द्वारा मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा अपने इलाके में मनाए जाने वाले त्यौहार। ये आपको हेडिंग डालनी है, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हो। गणतंत्र दिवस मनाते हो, होली मनाते हो, लोहड़ी मनाते हो, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, नवरात्रि, ईद, बकरीद, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि त्यौहार आप हमेशा मनाते हो। सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार कौन से हैं? तो सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो इसका आपके आंसर होगा, भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, तो ये विविधताएं विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, भिन्न विभिन्न जातियों धर्मों के लोग बसते हैं। यहाँ के लोगों के खान पान, कपड़े पहनने के तौर तरीके, रहन सहन में भी विभिन्नताएँ पाई जाती है। हम सब इन विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं। तो हम उनका रहन सहन और उनकी भाषा, उनका खान पान, उनके पहनावा के बारे में जान लेते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस प्रकार की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब हम लोगों में भाषा और भोजन संस्कृति का आदान प्रदान होता है और ये संस्कृतियाँ आपस में मिलकर एक नई संस्कृति बनाती है, जिससे हमारा जीवन और भी बेहतर हो जाता है। तो ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपका तीसरा प्रश्न है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आपको ये बताना है कि जो नेहरू जी ने किताब लिखी है, कौन सी, भारत की खोज, उसमें ये जो वाक्य आया है अनेकता में एकता, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर है, भारत शुरुआत से ही विविधताओं से भरा देश रहा है। यहाँ के लोग एक दूसरे से भाषाओं धर्मों से भिन्न हैं, परंतु जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो यही विभिन्न धर्म, भाषा और जाति के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अनेकता में एकता होने की परिभाषा दी थी। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब उस समय सभी धर्म के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और हमारा देश आज़ाद हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में अनेकता में एकता के बारे में कहा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, यानी भारत में जो एकता है उसको बाहर से किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। भारत ने हर धर्म की संस्कृति को अपनाया है, हर प्रथाओं को अपनाया है। इससे विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। इससे क्या होता है, विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये तो ये है आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आपका चौथा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर जो गीत लिखा हुआ है, जो आपने हमने हमने इस लेसन में पढ़ा था, उसमें से आपको ऐसी पंक्तियों को चुनना है जो भारत की एकता को दर्शाती है। तो इनमें से कौन सी पंक्ति है, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे
ये प्यारे भूल ना जाना, ये पंक्तियाँ क्या है, भारत की एकता को निश्चित रूप से दर्शाती है। तो ये है आपके पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर।